पिछले 5 साल ते ओ तो पहले कैप्टन दे 5 साल एक हिट नहीं लगी। इस करके मानसे वाले हो आपां किन्ने साल हो गए वोटा पाउंदे, हले तक तो आपां नूं पता लग जाना चाहिए किहड़े अपने किहड़े बाहरले। चार पार्टियां मैदान च, चार पार्टियां चारां चो थोड़ी पंजाब दी कौम दी पंथ दी कल्ली कोई जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल है। सारियां तीन, बाकी तीन सारियां ही बाहर दियां। दिल्ली तो हुक्म आउंदे है, जो दिल्ली वाले कहिंदे है उहनां दे ओही काम करदे है। गुरु साहब ने अपने गुरुआं ने की कहा सी आपां नूं, आपां नूं की सिधांत दित्ता सी? मीरी ते पीरी दा सिधांत। मतलब की सी कि धर्म तां वधूगा जे थोड़े कोले सियासी ताकत होए। जो 100 साल पहले अपने गुरु जिन्ने गुरुद्वारा साहब है, क्योंकि पहले महंतां दे कब्जे सी, बहुत गलत काम हुंदे सी उत्थे, फिर अपने बुजुर्गों ने इकट्ठे होके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई ते उदो ही सोच लिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तां चलूगी जे अपनी कोई सियासी पार्टी होगी या सियासी फौज होगी। ते 5 महीने बाद अकाली दल का गठन किया। श्रोमणी अकाली दल अपनी पंजाब पंजाबियों की पंथ की फौज है, थोड़ी फौज है। आ सारे पार्ले आम आदमी कांग्रेस बीजेपी आ सारे थोड़े फौज को कमजोर करना चाहते हैं। जे कमजोर कर लो फिर थोड़े उत्तों की टपना चाहते हैं। जिन्ना कुछ भी बनिया पंजाब, जिन्ना कुछ भी बनिया पंजाब उदो ही बनिया जो अकाली दल का राज। फिर दूजे पासे आप झाकते क्यों है? जे थोड़े याद करो पहले बिजली नहीं आनी होंदी सी, थर्मल प्लांट ला के असी बिजली पूरी की। पहले इत्थे सड़कां दा हाल की हुंदा सी, टुटियां सड़कां हुंदियां सी। अज मानसा तो तुसी चंडीगढ़ जाना, मानसा तो बरनाला जाना, मानसा तो लुधियाने जाना, मानसा तो गुरु की नगरी अमृतसर जाना। देखो कैदियां सड़कां बना दियां थोड़े अपने पिंडां विच। मैनू याद है थोड़े पक्के खालियां दी स्कीम लियांदी, जिन्ने भी पक्के खाले बनाए सारे बादल साहब ने बनाए, सरकारां दे दौरान बनाए। अंडरग्राउंड पाइपां सिस्टम बादल साहब दी कसियां, बादल साहब ने। मैं किसान भरावां नूं दसना चाहुंदा है आ जिहड़ियां मंडियां तो बैठे हैं ना, 2200 मंडी पंजाब च है, 2100 मंडी बादल साहब ने बनाई है। 16 लाख ट्यूबवैल कनैक्शन है पंजाब दे, 13.5 लाख साहब प्रकाश सिंह बादल ने बनाए। जिन्ने हिंदुस्तान चले जाओ कितने ट्यूबवैल का बिल माफ नहीं, दिल्ली केजरीवाल के सूबे च भी माफ नहीं है। जे माफ है तो पंजाब च है, जे ना माफ होंगे 1 लाख रुपया 1 साल का ट्यूबवैल मगर देना पैदा जी थोनू। नवे बच्चों तो पता ही नहीं, नवे मुंडिया बुजुर्गों सारे पता है। आटा दाल शगन पेंशन स्कीम सारा कुछ अकाली दल की सरकार। फिर मैं हैरान है कि आप बार बार गलती क्यों करते हैं? देखो 5 साल आप अपनी जिंदगी दे बर्बाद कर ले। जे आज पिछले 5 साल साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री होंगे तो मानसा वाले तुम्हें देखना सी कि इतने होर तरक्की होनी सी, बहुत काम करने वाले है। हुण इत्थे आम आदमी पार्टी कंधां ते लिखे पिया केजरीवाल नूं एक मौका दिओ। हुण केजरीवाल दी सरकार चाहुंदे हो? केजरीवाल नूं पता है नरमा कदों बीजीदा है? केजरीवाल नूं पता है कणक कदों बीजीदी है, झोना कदों लाईदा है? केजरीवाल नूं पता है सेम की चीज है? केजरीवाल थोड़ी इत्थे आके सरकार चलाऊगा। मैं थोनों एक पूछना चाहना है, 5 साल पहले तुसी केजरीवाल नूं वोटां पा के इत्थों एमएलए बनाया, 5 साल पहले। पिछले 5 साल एक बार भी थोड़े केजरीवाल मानसा आया? एक बार भी थोड़ा धन्यवाद करने वास्ते आया?
थोड़े दुख सुख च आया कला मानसा छड़ दियो पंजाब दस दियो एक दिन भी आया जे थोड़े कोले रहे भावे वोटा नहीं पिया साडे एमएलए नहीं बने जे थोड़े कोले थोड़े दुख सुख च रहे ते काली वर्कर रहे ते काली लीडर रहे आ कोरोना दी बीमारी सी कोरोना दी बीमारी सी आ कहंदे दिल्ली मॉडल सानू लेके आओ हालात देखो दिल्ली की होया सी राशन उथे नहीं दिता गया केजरीवाल नू अकाली दल दे वर्करां ते ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उथे लंगर लाए राशन लाए ऑक्सीजन दी लंगर सेवा कीती असीं उथे हस्पताल भी दिल्ली जाके खोलिया सी कोरोना दी बीमारी च किते केजरीवाल आया अपने पंजाब पता करन वास्ते कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली दा किसी चीज की लोड़ है कि थानू कोई वर्कर आया अकाली दल दे वर्कर ने सेवा की अकाली दल दिल्ली एस जी पी सी ने हस्पताल खुलाए सारा काम किया यार मैं थानू कहना चाहना वोट पाओ ना पाओ असी रहना थोड़े विच ही है जिउणा मरना थोड़े वास्ते है ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਕਤੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਐਮ ਪੀ ਜਿਤਾਏ ਤਿੰਨ ਭੱਜ ਗਏ 20 ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਿਤਾਏ 12 ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर बैठे हो मैं सारे नु बेनती करदा तुसी अपने घरे जाके पुरानिया फोटो अपने बुजुर्गों दी कढ़ लो किसे ना किसे मोर्चे छोड़े बुजुर्ग गए होणगे अकाली दल दे मोर्चे च थोड़ा अकाली दल थोड़े खून ना बनी हुई पार्टी है अपनी मां पार्टी है सारा कुछ पंजाब दी है फौज है अपनी हुण केजरीवाल केड़े केड़े बंदे गए पेंट बंदे 117 ਵਿੱਚੋਂ पेंट बंदे है ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਢਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਲ ਬਦਲੂ पेंट ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰੂਗੀ मैं मानसा वाले थोड़े ते सानू बड़ी आस है देखो अकाली सरकार बनूगी सब तो वध फायदा मानसा जिले नहीं होना थोनू ही होना तीन मुख्यमंत्री दे चेहरे है तीन मुख्यमंत्री चेहरे एक चन्नी बनाता उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा एक भगवंत मान है एक मैनू बनाया उन्होंने पार्टी साडे श्रोमणी अकाली दल गढ़ चो तुसीं जदों रिश्ता करन जांदे हो आपा परिवार का पिछोकड़ देखते हो कि परिवार ठीक है जो तुम मझ गां भी लैन देने उदो भी देखते हो कि दुध की मां दिंदी सी मां की मां कि हुण चीफ मिनिस्टर का देख रहे हो पिछोकड़ का देख लो किने थोड़े खाले बनाए किने थोड़िया सड़क बनाई किने थोड़े बिजली ट्यूबवैल दिते किने थोड़े आर ओ सिस्टम लियांदे किने स्कूल लियांदे किने गलियां नालियां बनाईयां दसो किने की कीता आम आदमी पार्टी दा भगवंत मान पांच साल दिखाई नहीं दिंदा मेरे उत्थों जलालाबाद लड़के गया सी मेरे खिलाफ इलेक्शन वी आर ते हारिया सी एक दिन धनवाद करन भी नहीं गया अपने वोटरां नूं घट तों घट जिन्हें वोट पाई सी ना बड़े ने इन्हां ने वड़ना भी नहीं आ कर की रहे है तुसी टीवियां दे प्रचार देखिया आम आदमी पार्टी दा अखबारां च कीता की है दिल्ली सरकार दा 850 करोड़ रुपया रखिया इन्होंने इश्तिहारां दे वास्ते 850 करोड़ सारा पैसा दिल्ली दा पंजाब विच अपनी टोर बनाने वास्ते खर्ची आंदे है जो पंजाब च कब्जा कर लिया इन्होंने फिर पंजाब का पैसा लेके इन्होंने राजस्थान से इधर वरतना
ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ 1 ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਿੱਲੀ 1 ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਐਸਵਾਇਲ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਫਿਰੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹੋ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਧੂੰਆਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੂੰਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ MP ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਐਕੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਕੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਆ ਪੱਕਾ ਕੋੜ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ। ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਆਉਣ, ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।